हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपके सामने एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस लेके आया हूँ जिसे करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा प्रॉफिट तो दोस्तों जब कमाओगे, जब आप काम करोगे, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे बंदे कैसे होते हैं, देखो मैं बताता हूँ। मेरे को इतने दिन हो गए यूट्यूब पे काम करते हुए कि भाई बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि वो बैठे रहते हैं, बैठे बैठे वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के ये लगेगा अरे हाँ ठीक है भाई, अच्छा बिजनेस है, करेंगे फ़ोन हाँ ठीक है, और उसको एक बार सब कुछ पूछ पाछ के करना ही नहीं होता उनको। फिर नई वीडियो देखेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल लेंगे, फिर वो भी नहीं करेंगे। मतलब जितने भी काम देखेंगे सिर्फ देखेंगे, उनका काम ही यही है कि वीडियो देखो और बैठे रहो, वीडियो देखो और बैठे रहो, वीडियो देखो बैठे रहो, और कोई काम नहीं है। जो काम करने वाला बंदा होता है वो जब उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो सीधा उठता है और अपने काम की ओर लग जाता है। क्योंकि दोस्तों जब तक आप अपने घर से ही ना निकलोगे, क्योंकि बहुत सारे बंदों को तो गर्मी लगती है भाई, गर्मी ज़्यादा है, फिर बारिश आ जाएगी, फिर बरसात हो गई, फिर सर्दी आ जाएंगी, अब सर्दी ज़्यादा है, तो उनके लिए काम करने वाला टाइम कभी नहीं आएगा। वो लोग नौकरी के लिए बने हैं, वो सारी ज़िंदगी नौकरी करते रह जाएंगे। दोस्तों अगर आपको अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है, तो इस वीडियो में बने रहना। आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत अच्छी वैरायटी दिखाने वाला हूँ, जिससे आप अपने बिजनेस की शुरुआत करके मार्केट में धमाका मचा सकते हो। इसमें आपको मार्जिन भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये नहीं कि मार्जिन नहीं मिलेगा, मार्जिन बहुत बढ़िया मिलेगा, बस आपके करने के ऊपर बात है कि आप उसे किस तरीके से करते हो। नया बंदा जो होता ना, देखो सीधी सी बात है, नया बंदा अगर कोई भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएगा तो उससे दुकानदार पहली बार में नहीं लेता है, और फूड आइटम को तो खासकर नहीं लेगा, क्योंकि उसमें एक्सपायरी होती है तो दुकानदार को लगता है अगर ये माल ख़राब हो गया, ये नया बंदा है, तो मैं किससे रिप्लेस कराऊंगा। इसलिए वो आपसे पहली बार में नहीं लेता, दूसरी बार में नहीं लेना, तीसरी बार में आपके प्रोडक्ट को देखना शुरू करता, चौथी बार में आपसे लेना शुरू करता है, ये प्रोसेस होती है। अब नया बंदा पहली बार में जाएगा, अब जब दुकानदार को नहीं लेना होता ना, वो चार बातें आपको बताएगा, माल खराब है, रेट ज़्यादा है, ये लोकल है, ये ऐसा है, और जब उसे लेना होता फटाफट रेट पूछेगा, ऊपर नीचे करेगा और ले लेगा, ये चीज़ें होती है। तो बस आपको हार नहीं माननी, आपको काम करना है, जब आप काम करोगे तो अपने आप सक्सेस होते हो जाओगे। आज इस वीडियो में जिस प्रोडक्ट के मैं बारे में बताने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट देखिए आपको खुद मज़ा आने वाला है। ये देखिए आज जिस वैरायटी के हम बारे में बात करने वाले हैं, ये है कैंडी। कौन सी वाली कैंडी? इक्लेयर्स की 50 पैसे वाली कैंडी, ये आपको हमारे पास से मिलेगी। 50 पैसे में है, एक किलो में 500 पीस चढ़ते हैं, 500 ये आपको हमारे पास मिलेगी। ल्यूज चाहिए, ल्यूज मिलेगी, जार में चाहिए, जार में मिलेगी। अगर आपको ल्यूज लेते हो तो आप बोलोगे पैक कैसे करेंगे, पैक करने का तरीका ही तो बताने वाला हूँ इस वीडियो में, देखोगे तभी समझ में आएगा। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके की पन्नी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ये देखिए, ये इसका पाउच है, ये इसका आधी किलो वाला पाउच है, आधी किलो मतलब इसमें 200 पीस बड़े आराम से आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये प्रॉपर इसी की पन्नी है, आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर गिन के 200 पीस डाल लेने हैं, ठीक है। मैं अभी तो ऐसे ही डाल देता हूँ, पर आपको गिन के 200 पीस इसके अंदर डाल लेने हैं। जब आप इसके अंदर 200 पीस डाल दोगे, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगी। और आपको क्या करना है, फिर जो ये सीलिंग मशीन है, इस सीलिंग मशीन से इसे सील कर देना है। अगर आपको ये सीलिंग मशीन भी चाहिए तो ये भी आपको हमारे पास ही मिल जाएगी। अब आपने इसको सील कर दिया, ये अभी प्रॉपर हीट नहीं हुई है इसलिए इसकी थोड़ी हीट बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप दोबारा सील करेंगे, ये देखिए, ये अब सील हो गया पैकेट, देखिए कितना अच्छा पैकेट लग रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इन्हें सील करना है, सील करके मार्केट में अब आपका ये 100 रुपये का पैकेट तैयार हो गया। 100 रुपये MRP, मतलब 200 पीस है, 100 रुपये MRP का आपका ये पैकेट तैयार हो गया। अब आप क्या करोगे, इसी तरीके के पैकेट बनाओगे, पैकेट बना के मार्केट में ले जाओगे। जब आप इसे मार्केट में लेके जाओगे 100 रुपये का, तो आप इसे बड़े आराम से 65 रुपये 70 रुपये तक बेच सकते हो। वो डिपेंड करता है आप किस एरिया में जा रहे हो, अगर आप गांव वाले एरिया में जा रहे हो तो आप इसे 70 रुपये 75 रुपये तक भी बेच सकते हो, अगर आप शहर वाले या ज़्यादा कंपटीशन वाले एरिया में जा रहे हो
तो आप इसे 65 रुपए तक सेल कर सकते हो, बड़े आराम से हंसके सेल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे एक ब्रांड का है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आपकी इसकी कॉस्टिंग क्या आने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका है जो टॉफी मिलेगी लूज में 92 रुपए किलो मिलेगी, 1 किलो में 500 पीस चढ़ते हैं, ठीक है। अब आप ये मान के चलिए आपके 92 रुपए में 500 पीस चढ़ते, 10 रुपए किलो आप खर्चा मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का, तो ये हो गया 102 रुपए किलो आपको आपके घर तक पड़ी। फिर आपने इसको पैक किया, पैक करके इसके अंदर निकले 500 पीस 1 किलो में, तो 20 पैसे का 1 पीस हो गया, 200 की पैकिंग बनाई, 40 रुपए की आपकी टॉफी हो गई, 2 रुपए की पन्नी हो गई, और 1 रुपए का आप खर्चा मान लीजिए, पेट्रोल मानिए, पैकिंग मानिए, कुछ भी मानिए, 1 रुपए 20 पैसे का, ये टोटल कॉस्ट आपकी 44 रुपए आ गई। क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते हैं ना, हम गाड़ी लेके जाएंगे, बाइक पे जाएंगे तो पेट्रोल भी तो खर्च होगा, मतलब वो ऐसे बंदे होते हैं वो जिनको काम नहीं करना होता, जिनको बहाने मारने होते हैं, ना खुद करना होता ना दूसरे को करने देना होता है, ठीक है। तो आपकी कॉस्टिंग आ गई 44 रुपए, आपके घर तक तैयार हो गया, आपका पेट्रोल का खर्चा निकल गया, सब निकल गया। अब इसमें आपने अगर इसे आप सेल करोगे 65 रुपए में तो 21 रुपए आपके बचते हैं, ठीक है। 21 रुपए अगर आपके बचे, तो अगर आप 50 पैकेट भी सेल करते हो, सिर्फ 50 पैकेट, तो 1000 रुपए 50 पैकेट इसके ये पैकेट सेल करके 1000 रुपए कमा सकते हो। 1000 अगर आप कमाते हो तो महीने के तो 30000 रुपए हो गए, कहीं भी जॉब करोगे तो 10-15 हज़ार की जो भी तो लगेगी। और आप इस तरीके से, सिर्फ मैंने आपको ये एक वैरायटी बताई है, मतलब भंडार में से आपको सिर्फ एक वैरायटी बताई गई है। जब मैं आपको सारी वैरायटियों की डिटेल दूंगा, एक एक टॉफी के बारे में बताऊंगा, तब आप सोचो कि आपका मार्जिन किस लेवल का पहुंचने वाला है। समझ में आई दोस्तों? आपको हमारे पास 150+ वैरायटी मिलेगी, 150+ वैरायटी। आप इन्हें, इनके जो स्टिकर है, स्टिकर मिल जाएंगे, पाउच चाहिए पाउच मिल जाएंगे, कॉमन पाउच चाहिए वो मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए सब अवेलेबल होगा, पैकिंग मशीन चाहिए, कुछ भी चाहिए, बस आप दिए गए नंबरों पे कॉल करो, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। बस काम करने वाले बनो, काम करोगे तो आपका फायदा, नहीं करोगे तो आपका नुकसान। ना इसमें मेरा कोई फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है, बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।